कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर कई जगहों पर तनाव बना हुआ है। वहीं अब कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री को वक्फ से जुड़े मसले पर एक पत्र लिखा है और वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। ये पत्र वक्फ मामले पर प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इस पत्र के जरिए कर्नाटक में बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। बीजेपी विधायक बसन गौड़ा ने पत्र में लिखा है कि पीएमओ से गुजारिश करते हैं कि निष्पक्ष प्रशासन और भविष्य में अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया जाए। मौजूदा कानूनों से सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये पत्र ऐसे समय लिखा गया जब कर्नाटक के हावेरी जिले में वक्फ संपत्ति पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल वक्फ संपत्ति वापस लेने को लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता कहा कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को सियासी फायदे के लिए उठाती रही है। प्रधानमंत्री जी या पूरे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग वो एक नैरेटिव हमेशा सेट करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं फेरेटिज्म, उनके नैरेटिव जो सेट करते हैं फेरेटिज्म रहता, धर्मांतर रहती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने नामांकन में दाखिल हलफनामे के आधार पर कहा कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। इस मामले की इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की उम्र पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ाने के मुद्दे पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। ये दुनिया की स्पीड तो वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री 1 वर्ष में लगता है 1.25 वर्ष बढ़ जाते हैं, तो ये 7 वर्ष कैसे बढ़ गए इनकी उम्र? सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति तो यही है कि 5 वर्षों में आपकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी हारे हुए हताश लोगों की तरह यही सब एजेंडा लेके चल रही है। दुर्भाग्य है कि 18 बरस राज करने के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के मोतिहारी में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना में पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इनमें से कई के सिर पर भी चोट आई है, कई के सिर फट गए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग पुलिस वालों को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, एक शख्स बेलचे से भी पुलिस वाले की पिटाई करते देखा जा सकता है। आलम यह है कि पुलिस वालों के पास पिस्टल और बंदूक भी है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं दिख रहा। एक सिपाही ने बंदूक भी तान रखी है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कोई डर नहीं। मामला मोतिहारी जिले के सरैया लिपनी गांव का है, जहां पुलिस टीम पर यह हमला किया गया। दरअसल एक अपहरण के मामले में पुलिस की टीम यहां आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल है, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की मदद की, सिर से निकल रहे ब्लड को रोकने के लिए कपड़े दिए। वहीं यूपी के बरेली से भी ऐसी ही घटना सामने आई है। दिवाली पर जुआ खेलने से रोकना पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। गुस्साए जुआरियों ने ही पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए। पुलिस कर्मियों पर एक साथ लाठी डंडे, लोहे की सरिया और ईंटें बरसाई गई, साथ ही वर्दी भी फाड़ दी गई। हमले में एसआई और एक कांस्टेबल घायल हो गए। किसी तरह होमगार्ड ने भाग कर जान बचाई। कुछ पुलिसकर्मी ने बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। आलम यह है कि एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी लोग बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई करते रहे। हालांकि इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी को बचाते भी लोग दिखे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अशरफ खान छावनी का है, जहां दीपावली की रात कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन एक साथ कई लोगों ने पुलिस की टीम पर हिंसक हमला कर दिया। इस हमले में एसआई शुभम चौधरी और सिपाही मनीष को काफी गंभीर चोटें आई हैं।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।